हेलो गाइस, वेलकम टू क्राकेम यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज आम 15 मई 2021 डेली करंट अफेयर्स और तास रिलेटेड फैक्ट सब डिस्कसन करवा। जदि आपण मन को आम करंट अफेयर्स भल लगुच निश्चित भाव में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करूँ। तब चल देखा आज कौन सब क्वेश्चन रही। आज फर्स्ट क्वेश्चन हूँ, व्हिच डिजिटल पेमेंट आप हेज लॉन्च्ड इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर फॉर यूएसए यूजर्स। तो रिसेंटली डिजिटल जो पेमेंट आप गोटे अच्छी से कौन कर तार जिते भी यूजर यूएसए रे अच्छा अमेरिकार इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर फैसिलिटी एवं आरंभ हो। तो आंसर हो गूगल पे। गूगल पे तार जो जी सब यूएसए रे यूजर मानक इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सुविधा लॉन्च करछि, जहाद्वारा यूएसए रे जिते भी सब पीपुल अच्छा से चाहिए इंडिया आउ सिंगापुर को ताके डायरेक्टली गूगल पे आप द्वारा मनी ट्रांसफर करपर। केवल यहाँ यूएसए रु इंडिया सिंगापुर बर्तमान है, आगू मध्य आहरी मानने 80 कंट्री को आहरी सुविधा बढ़ा बोले कहुई। तापर धीरे धीरे 200 कंट्री अर्थात प्राय सब जगह कंट्री को कराई कहुई। ये गूगल पार्टनरशिप कर वाइज एंड वेस्टर्न यूनियन को लिमिटेड, जोटा कि यूएसए रे गोटे कंपनीटा कॉर्पोरेशन टा सहित गूगल पार्टनरशिप कर। तो गूगल हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए, सीईओ सुंदर पिचाई फाउंडेड 1998। रिसेंटली अर्जुन अवार्ड विनिंग भी चंद्रशेखर पास डबे ही वाज रिलेटेड टू हिज फील्ड। तो भी चंद्रशेखर जे के अर्जुन अवार्ड जन विनर, तो सी रिसेंटली मृत्युबरण कले कोविड कम्प्लिकेसन जो, तो सी क्यों कतर बिलंग करते सत्य सी थे जन टेबुल टेनिस प्लेयर, से जन नेशनल टेबुल टेनिस प्लेयर थे। आए वर्तमान जो TTTA थिला तामिक जा टेबुल टेनिस एसोसिएशन आम तमिलनाडु टेबुल टेनिस एसोसिएशन कह पार तार ये प्रेसिडेंट थे। रिसेंटली मृत्युबरण होगा। अर्जुन अवार्ड दिखाई 1982। गोटे ऑटोबायोग्राफी अच्छी सीता श्रीकांत संस्था सहित से मैंने मिसिकी ऑटोबायोग्राफी लिखी थे माई फाइट बैक फ्रॉम डेथ्स डोर, जोटा कि 2006 पब्लीश होता सेटा थिला भी चंद्रशेखर ऑटोबायोग्राफी। तो मन रखिए अर्जुन अवार्ड आहरी गोटे जान मानते इंपोर्टेंट रोज अर्जुन अवार्ड क्या क्षेत्र को दिया हो। तो यहाँ अर्जुन अवार्ड दिया हो स्पोर्ट्स क्षेत्र में। हु हेज बीन अपॉइंटेड टू द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन ICAS। तो ICAS को तार गोटे कमिटी अच्छे एग्जीक्यूटिव कमिटी, तार से एग्जीक्यूटिव कमिटी को क्या अपॉइंट कर तार आंसर हो मनीषा कपूर जी कि कौन ना जो एग्जीक्यूटिव कमिटी कार ना ICAS रे एग्जीक्यूटिव जो कमिटी अच्छे तार 2 वर्ष केवल जन मेम्बर भाव कम करते कि से कमिटर पूरा गोटे लीड रोल मिल गला 2023 पर्यंत से लीड रोल से कमिटर ग्रहण करिए। ICAS मान इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन। तो एडवर्टाइजिंग अर्थ जानपरते जिते भी सब डिजिटल प्लेटफॉर्म रे ऐड हो तो से मैंने कंट्रोल करिए, जमीक से ऐड द्वारा कौन सी लोक को पर्सनाली किसी असुविधा न हो तो से सब जगह ध्यान रखिए। मैंने जो सेल्फ गाइडलाइन थाउचे से गाइडलाइन भितर ही सब हम। तो यहाँ ए न्यूज अनाउंस कर एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ACSI ये अनाउंस कर। तो जोटा कि मिस्टर जो कपूर मनीष कपूर से तार सेक्रेटरी जनरल थे आम ASACI र। तो दुटा अच्छे गोटे इंटरनेशनल बॉडी आ गोटे इंडिया अच्छे जो एडवर्टाइजिंग काउंसिल। तो ICAS मैंने इंटरनेशनल काउंसिल हेडक्वार्टर अच्छी ब्रुसेल्स बेल्जियम फाउंडेड 2008। आउ इंडिया रा जो एडवर्टाइजिंग काउंसिल अच्छी तार हेडक्वार्टर अच्छे मुंबई रे और फाउंडेड 1985। हु हेज रिसीव्ड द वर्ल्ड फूड अवार्ड। तो वर्ल्ड फूड अवार्ड 2021 यहाँ क्या दिखाई डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टार। तो यहाँ मतलब बहुत इंपोर्टेंट वर्ल्ड फूड अवार्ड फूड अवार्ड दिखाई डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टार। ये हूँ जड़े इंडियन ओरिजिन जड़े वोमेन कितु से बर्तमान बास कर डेनमार्क कंट्री रे। आपको ये अवार्ड दिखाई मुख्यतः फूड अवार्ड तो जानपरती ये आमर जी सब सी फुड कहींपरिया
ଆଉ ତ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ଯେତେ ବି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ତ ସେ ଉପରେ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଆଉ ମେନଲି ଇଏ ଏବେ ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ଫିସ୍ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ବହୁତ ଭଲ ରିଜଲ୍ଟ କାଢ଼ିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ମଲ୍ ଫିସ୍ କେଉଁଟାର ନା ବାଂଲାଦେଶର, ସେଇଟା ବହୁତ ହି ହେଲ୍ପ ହେବ ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ବାଂଲାଦେଶ ଏସିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରିମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ବହୁତ ହେଲ୍ପ ହେବ ରିସର୍ଚ୍ଚଟା। ଆଉ ତାଙ୍କର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ୱାର୍ଲଡ଼ ଫୁଡ଼୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦିଆହେଇଛି ବୋଲି ୱାର୍ଲଡ଼ ଫୁଡ଼୍ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ସିଏ କହିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ୱାର୍ଲଡ଼ ଫୁଡ଼୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ କୁହାହେଉଛି, ଯେଉଁ ଆକୁ ଏମିତି ମଧ୍ୟ କୁହାହେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ନୋବେଲ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ଫର୍ ଫୁଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗ୍ରିକଲଚର, ଅର୍ଥାତ ଫୁଡ଼୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଏ ହେଉଛି ନୋବେଲ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ଭଳିଆ। ଆଉ ଆଇନରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାସ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଆହେଉଛି 250,000 ମାନେ ଡଲାର, ଏତିକି ଆୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି, ଏତିକି କ୍ୟାସ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଆହେଉଛି ୱାର୍ଲଡ଼ ଫୁଡ଼୍ ଆୱାର୍ଡ଼ରେ। ତ ଏଇଟା ଦେଉଛି ୱାର୍ଲଡ଼ ଫୁଡ଼୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ଯାହାର ହେଡ଼୍କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଅଛି ରୋମ୍ ଇଟାଲୀରେ, ଫାଉଣ୍ଡେଡ଼୍ ହୋଇଛି 1961। ରିସେଣ୍ଟଲି ହୁଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଡାଇଲଗ୍ ହେଲ୍ଡ ଭର୍ଚୁଆଲି, ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ସ୍ୱିସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଡାଇଲଗ୍ ହେଲା। ତ ଏଇଟା କେତେତମ ଏଡ଼ିସନ୍ ଥିଲା? ତ ଏଇଟା ଥିଲା 4th edition। ତ ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୋଟେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଲେବଲ୍ର ଡାଇଲଗ୍ ଥିଲା, ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଅଜୟ ସେଠ, ତ ସିଏ ତା ସହିତ ତାଙ୍କର କାଉଣ୍ଟର ପାର୍ଟ ଯିଏକି ସ୍ୱିସ୍ର ଯିଏ ଅଛି ମାନେ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଯିଏ ଅଛି ଡାନିଏଲ୍ ଷ୍ଟୋଫେଲ୍, ତାଙ୍କର ସେକ୍ରେଟାରୀ, ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡାଇଲଗ୍ଟା ହେଇଥିଲା, ଭର୍ଚୁଆଲି ମର୍ଡ଼ର ହେଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଜାଣିଛି ମାନେ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭଲ ମାନେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ର ଯେଉଁ ତା'ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଅଛି, ଯେତିକି ପ୍ରୋସିଜର୍ ଅଛି ବହୁତ ହି ଭଲ ଅଛି। ତ ତା ଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟା କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଡାଇଲଗ୍ ଦ୍ୱାରା ସେ କୋପରେସନ୍ ବଢ଼ିପାରିବ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ବର୍ନ, କରେନ୍ସି ଫ୍ରାଙ୍କ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଗାଏ ପାର୍ମେଲେ। ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଚେୟାର୍ଡ ଦ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ରିକ୍ସ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ୱାର୍କିଂ ଗ୍ରୁପ୍? ତ ବ୍ରିକ୍ସ ଯେଉଁ ସମିଟ୍ ହେଉଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ୱାର୍କିଂ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଲା ବ୍ରିକ୍ସର। ତ ସେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ୱାର୍କିଂ ଗ୍ରୁପ୍ ଯେଉଁ ହେଇଛି ତାକୁ ଚେୟାର କେ କଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି? ତ ଚେୟାର କରିଛି ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ଚେୟାର କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅପୂର୍ବ ଚନ୍ଦ୍ରା, ଯିଏକି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଲେବର୍ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ଇଣ୍ଡିଆର ଲେବର୍ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଯିଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅପୂର୍ବ ଚନ୍ଦ୍ରା, ସିଏ ଯେଉଁ ବ୍ରିକ୍ସ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ୱାର୍କିଂ ଗ୍ରୁପ୍ଟାକୁ ଚେୟାର କରିଛନ୍ତି। ତ ବ୍ରିକ୍ସ ସମିଟ୍ ହେଉଛି ଜାଣିଥିବେ ପାଞ୍ଚଟା କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇକିରି, ବ୍ରାଜିଲ, ରୁଷିଆ, ଇଣ୍ଡିଆ, ଚାଇନା ଆଉ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା, ତ ଚାରିଟା ମିଶିକିରି ବ୍ରିକ୍ସ ଗଠନ ହୋଇଛି। ଫାଷ୍ଟ ତ ମାନେ ଯଦି ବ୍ରିକ୍ସ କେବେ ଫାଉଣ୍ଡେଡ଼୍ ହେଇଛି ହେଲେ ମାନେ 2006, ଅର୍ଥାତ୍ ଫାଷ୍ଟ ଥର ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ଆର ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ନଥିଲା, କେବଳ ବ୍ରିକ୍ ଥିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ 2006 ହିଁ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ୟୁଏସ୍ରେ, ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିଥିଲେ, ତା'ପରେ 2010 ଆସିକିରି ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ଯୋଗ ଦେଇଛି, ବ୍ରିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏ ବର୍ଷ ବ୍ରିକ୍ସ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ହିଁ ଏଇଟାକୁ ହୋଷ୍ଟ କରିଥିଲା, ବ୍ରିକ୍ସ ସମିଟ୍ଟାକୁ ନ୍ୟୁଦିଲ୍ଲୀରେ। ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ୱାଜ୍ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ରିସିପିଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରେମିଟାନ୍ସ ଇନ୍ 2020 ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ୱାର୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ? ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, ରିସେଣ୍ଟଲି ୱାର୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ତା ରିପୋର୍ଟ ଜାରି କରିଥିଲା। ଆଉ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ସବୁଠାରୁ ମାନେ ଅଧିକ ରେମିଟାନ୍ସ ଗେନ୍ କରିଛି ବା ରିସିଭ୍ କରିଛି? ରେମିଟାନ୍ସ ମାନେ କ'ଣ ନା, ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେତେ ବି ସବୁ ଲୋକ ଯେଉଁ ବାହାର ଦେଶକୁ ଯାଇ ରହୁଛନ୍ତି NRI ବୋଲି କହୁଛେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ, ତ ସେମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଟଙ୍କା ମନି ପଠାଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିକି ସେମିତି ତାଙ୍କର ଲୋକ ବାହାର ଦେଶକୁ ଯାଇକରି ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇଛନ୍ତି ମାନେ, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ, ଯେଉଁଟାକି ୱାର୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ କୁହାହେଉଛି ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ରିଫ୍ ରିପୋର୍ଟଟି ଜାରି ହୋଇଥିଲା। ଏ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା କୁହାହେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଟୋଟାଲ 2020 $83 ବିଲିୟନ୍ ଆସିଛି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଟୋଟାଲ। ଯଦି ୱାର୍ଲଡ଼ରେ କହିବା $554 ପୁରା ୱାର୍ଲଡ଼ ଯାହାର ହେଇଛି, ତାହିଁରେ କେବଳ 83 ଇଣ୍ଡିଆରୁ ହିଁ ପଠାହେଇଛି। ତ ତେଣୁ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି ସବୁଠାରୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ରିସିପିଏଣ୍ଟ ରିମିଟାନ୍ସ। ଯଦି ଆଉ ସେମିତି କହିବାଟା ତ ଇଣ୍ଡିଆ ରିସିଭ୍ କରିଛି ବାହାର ଦେଶରୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ଦେଶର ଲୋକ ଅନୁସାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରସେଣ୍ଟ ମାନେ GDP ହିସାବରେ ସେ ଦେଶ ଯଦି ଗେନ୍ କରିଛି କେତେ ରିମିଟାନ୍ସ ଗେନ୍ କରିଛି ହେଲେ, ତ GDP ଅନୁସାରେ ଦେଖିଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ତ ବହୁତ କମ୍ ହେବ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଶ ଆଗ ଟପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଟାଙ୍ଗେ କହିବା, ଟାଙ୍ଗା ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ଯିଏକି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗେନ୍ କରିଛି, ତା GDP ଦେଖିଲେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ହିସାବରେ, GDP ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ ସେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରିମିଟାନ୍ସ ଗେନ୍ କରିଛି। ଆଉ ଯଦି ରିମିଟାନ୍ସ ସେଣ୍ଡିଂ କଣ୍ଟ୍ରି କଥା କହିବା, ବାହାର ଦେଶକୁ ମାନେ ନିଜ ଦେଶରୁ ବାହାର ଦେଶକୁ ଯେଉଁ ପଠା ହେଇଛି, ତ ସେଣ୍ଡିଂ କଣ୍ଟ୍ରି ଅନୁସାରେ USA ଟପ୍ରେ ଅଛି 2020।
वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी फॉर्म 1944 प्रेसिडेंट डेविड मेलपास हुई स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स ऑफ और गार्डियंस टू कोविड 19 तो रिसेंटली गोटे स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस कर जो माने भी कोविड 19 कॉम्प्लिकेशन देखो निजर पेरेंट्स मान को माने मरी जाऊ छन जा पेरेंट्स तो से चिल्ड्रन मान को पूरा टोटल एजुकेशन खर्च से स्टेट गवर्नमेंट ही बहन करियो तो आर आंसर हो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट एटा अनाउंस करछन तो जो मान कर भी गार्डियन पेरेंट्स हो मरी जाए कोविड 19 कॉम्प्लिकेशन जो ताको फ्री एजुकेशन मिलियो छत्तीसगढ़ कैपिटल रायपुर सीएम भूपेश बाघल गवर्नर होती अनुसुईया उइके India's Y Nukhlum Phom has been named the winner of Whiteley Awards 2021. He belongs to which state? The Y pratham ta question hoji je Y Nukhlum Phom anku diya hai chi Whiteley Award 2021. Eta pratham man rakhibe je Y Nukhlum Phom ku diya hai chi Whiteley Awards 2021. To ye belong korchanti Nagaland re. नागालैंड ये जन मैंने एनवायरमेंटलिस्ट कहीपर कंजर्वेनिस्ट आंकड़े जो अवार्डटा दिखाई मुख्यतः अमूर फाल्कन से पक्षी मानू मान सुरक्षा देवाई ये गोटे सोसाइटी कर लामा साकेल लोक सोसाइटी लामा साकनोल सोसाइटी बोले गोटे कर सोसाइटी द्वारा ये कौन करिए ना अमूर फाल्कन गोटे छोट छोट पक्षी जाक अच्छा से मैंने रेस बेसिस इंडिया मैंने बहुत देखाते कि नागालैंड सरकार बहुत योजना करते कि तथा मैंने शिकार कराई तो ये सुरक्षा करने सोसाइटी कर बहुत ही भल कम कर व्हाइटले अवार्ड 2021 आपको दिखाई आपको अमूर फाल्कन जो जो पक्षी कम कर अमूर फाल्कन मैन अफ द नागालैंड वाई नुकुलु फोम को कहु नागालैंड को कहुच्छे फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोली कहु यार बेसी फाल्कन जो पक्षी अच्छे नागालैंड ही मिलुच्छे तो ये जो प्राइज डाइटा मिलुच्छे ये हूँ ओनली इंडियन जे कि अवार्डटा मिलुच्छे आपको पूर्व अवार्ड क्या कहे मिल ना इंडिया तो वाई नुकुलु फोम होती ओनली इंडियन जे कि व्हाइटले अवार्ड जीति तो यहाँ को ग्रीन ओस्कार व्हाइटले अवार्डटा को कारण जगह जदि आम एनवायरमेंट क्षेत्र देखा सब बड़ अवार्डटा आईटा दे माभा फाउंडेशन देखा जी अवार्डटा को एस्टाब्लीश कथा कह तो एस्टाब्लीश कर एडवर्ड व्हाइटले इन 1994 एस्टाब्लीश कर हु वाज सोन इन एज फॉर सिक्स्थ टर्म एज द प्रेसिडेंट ऑफ युगांडा तो युगांडार अभी सिक्स थर पर अतिर किए प्रेसीडेट भाव शपथ ग्रहण कले तार आंसर हूँ युएरी मुसाभेनी युएरी मुसाभेनी जे कहीपर वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग मान लीडर ऑफ वर्ल्ड से भी मान छर पर प्रेसीडेट है युगांडार से नेशनल रेजिस्टेंस मूवमेंट पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टी अच्छी से तरफ से प्रेसीडेट होती आ 1986 रु युगांडार प्रेसीडेट भाव रही आसी युगांडार कैपिटल कांपला करेन्सी हूँ युगांडियन सिलोंग तो फ्रेंड्स आज ये पुणी देखा आगाम भिडियो जदि आपड़ोटी भल लगे तो निश्चित भाव लाइक करूँ सेयर करूँ आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ।